अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ ऑफिस से, अब मैं इसको रन करूँगा, देखते हैं कोई अगर इशू होगा तो हम चेंजेस करेंगे। तो रन करने के लिए मैं शिफ्ट F6 भी दबा सकता हूँ, या तो मेरे ही प्रोजेक्ट पे यहाँ राइट क्लिक कर सकता हूँ, रन करूँ रन। जैसे ही रन कर रहा हूँ देखते हैं कोई एरर है नहीं। तो मैं पहला नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, विकास सिंह। यूज़र नेम डाल देता हूँ VS1234। पासवर्ड दे देता हूँ 123456678 मिनिमम। कन्फर्म कर लेता हूँ 123456678। ये कन्फर्म पासवर्ड का कोड बाकी है, मैंने लिखा नहीं था, वैलिडेशन में लिख लो। इफ़ यदि पासवर्ड डॉट इक्वल्स कन्फर्म पासवर्ड, दोनों इक्वल रहेंगे, वो वाला कोड चाहिए तो मैं लिख दूंगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट कर लिया एक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेरी इतनी नहीं है, यहाँ से आप जो भी चाहिए कुछ भी मैं अपने मन से ले लेता हूँ। चलो मैं चाहिए तो जून ले लेता हूँ, 16 जून 1994 ले लेता हूँ। चलो उसके बाद लिख देता हूँ 1234567 8 9 10, ये मेरा फ़ोन नंबर है। साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी यहाँ पे एक इशू आया हुआ है, हम पढ़ सकते हैं इशू क्या है। ये सीखने को मिलता है हमें, ये चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो इनम कॉन्स्टेंट माई एस क्यू एल सी जे प्रॉपर्टी डेफिनेशन। अच्छा, पहली बात तो कनेक्शन वाला वो इशू है, वो अभी कर लेता हूँ सॉल्व। उसके बाद और ऊपर आता हूँ और देखते हैं और कुछ इशू आया है। कॉस्ड बाय, हाँ एक और इशू है, जीरो डेट टाइम बिहेवियर, इसको कन्वर्ट नल। अच्छा, यही वाला इशू है, मैं समझ गया इशू क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। उस इशू को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपका भी ये इशू आ सकता है, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप क्या करो, वापिस से अपने कोड में जाओ। कहाँ गया हमारा कोड, इस पर क्लिक करो, कोड ये सब तो मुझे सही लग रहा है यहाँ तक। फिर से चाहिए तो एक बार और ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में डिटेक्ट क्या नहीं हो रहा है, टेबल नहीं डिटेक्ट हो रहा हमारा, और उसका नाम है MySQL। फिर से लगे तो यहाँ पे चाहिए तो ये कोड फिर से पेस्ट, हमारा जो टेबल है उसका नाम है साइन अप, वो नहीं मिल रहा। सेव, सही तो है, सेम ही है, फिर से एक बार चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि बाकी कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ तक हमने कोड लिखा है सब कुछ सही है। डेटाबेस कनेक्टिविटी एक बार ये हो गया तो फिर अपने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ गया। इसको वापस से, चलो एक बार इसको और चला के देख लेता हूँ। रन करने के लिए शिफ्ट और F6 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से भी रन हो सकता है। यहाँ पर रमेश लिखता हूँ, रमेश शर्मा, टैब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RES12, टैब 1234567 8, यहाँ पे लिख देता हूँ 1234567 8। उसके बाद कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 27, और मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। तो ये देख सकते हो चुका है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, जस्ट आपने कॉपी किस तरीके से किया है वही मैटर करता है, बाकी मैंने मेरे कोड में कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। देख लेते हैं सच में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है क्या। ओके करता हूँ, क्लियर बटन, लॉगिन बटन का तो कोड हमें आगे देखना ही है। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ, देख लेते हैं हमारा जो टेबल नाम का डेटा बेस है, टेबल, और इसके अंदर साइन अप है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू डेटा, हाँ रमेश शर्मा RES12, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो चुकी, हो चुका है। तो इतना ही था, लगे तो हमारा ये भी काम पूरा हो चुका है, बाकी का कोड हम अपने अगले पार्ट में देखते हैं। चलो फिर, बाय सबको।